जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। उसके द्वारा बताया गया ज्ञान जो है वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में अनुवादकर्ताओं ने एक गलती की है। इसमें एक ब्रह्मणे शब्द है, ब्रह्मणे, इन्होंने ब्रह्मणे शब्द का अर्थ कर दिया वेद, और यही ब्रह्मणे शब्द है गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में। वह इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे अर्थ का अर्थ किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, जिसके विषय में गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो उस तत्ब्रह्म से, सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है, वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से ही छूटने के लिए प्रयत्न करता है। यानी जरा माने वृद्धावस्था का कष्ट, मरण माने मृत्यु, अर्थात जो यहाँ से जन्म मरण के कष्ट से छूटने के लिए साधना करता है, संसार की कुछ इच्छा नहीं रखता है, वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुका है, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और सभी कर्मों से परिचित है। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा फिर वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो। तो हमने अपने इस अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कुछ आधार बनाना पड़ेगा। अब तक हम जिस भी संत या पंथ में गए या उनका कोई अनुभव हमने पढ़ा, उनके तकरीबन विचार भिन्न मिलते, उनकी साधनाओं में बहुत अंतर मिलता। तो गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से हटकर एक परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योगी बनेगा, योगी माने भक्त, तब तो तू भगत का भाव होगा। नहीं तो कोई भी, जहाँ भी आप जाते हो आपको तत्व ज्ञान है नहीं, कोई भी सिर फिरा आपको दो अटपट करके वहाँ से डिगा देता है, आपको सुमार्ग से विचलित करके कुमार्ग पर खींच ले जाता है। और जिस समय आप इस तत्व ज्ञान से दृढ़ हो जाओगे, तो यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाइए आपके सामने, आप ज्ञान में डगमग नहीं हो सकते, उनको विचलित कर दोगे। ये ऐसा ज्ञान है। और तभी हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। रास्ते में ना जाने कितने ठग मिलते हैं भ्रमित करने वाले, तो फिर हम भ्रमित नहीं होंगे तो हम सुमार्ग पर अपने घर पहुंच जाएंगे, सतलोक चले जाएंगे, सदा हम सुखी हो जाएंगे जहाँ से हम आए हुए हैं। अभी तक हमें यही नहीं मालूम था हम आए कहाँ से हैं, हम यहाँ जन्म मरण, जन्म और मर क्यों रहे हैं। सारा जीवन हम डिवोट कर देते हैं अपने कोठी और बंगले बनाने में, अपने बच्चों के साथ प्रेम में रहने से, रहने के लिए, और एक सेकंड में ना बच्चे रहते हैं, ना वो कोठी रहती है, ना वो बैंक बैलेंस साथ जाता है, साथ जाते हैं वो कर्म पाप के जो सारे जीवन में इकट्ठे करी और भक्ति करी नहीं, नेक्स्ट जीवन उसका बहुत बुरा होगा। तो हमें परमात्मा के ज्ञान से भूत वर्तमान और भविष्य की जानकारी हुई। अब कोई तो एक ही व्यक्ति है, मानव शरीर सभी का समान है, कर्म में कितना अंतर है, तो ये कर्म किए कब थे, कभी पिछले जन्मों में, भूतकाल के अंदर,
तो भूतकाल आज का वर्तमान ही भूतकाल बनेगा और आज के वर्तमान से हमारा भविष्य बनेगा। इसलिए सत्संग में आने से, परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित हो जाने से प्राणी अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है, समझता है कि मनुष्य का उद्देश्य क्या था। तो इसके लिए परमात्मा बताते हैं, तो पुण्यात्माओं आपको वो सत्संग मिला, सतगुरु मिले। सतगुरु उसे कहते हैं जो सच्चा ज्ञान बतावे और सदग्रंथों पर आधारित हो। इस दास के जितने वचन होंगे वो महापुरुषों के, उन महापुरुषों की वाणी जिनको भगवान मिले, और वो हमारे प्रमाणित सदग्रंथ होंगे जिनको हम आज तक श्रेष्ठ और सत्य मानते रहे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी को कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न उनको कोई गति प्राप्त होती है। और हम इन तीन वस्तुओं के लिए ही भक्ति करते हैं, मोक्ष हो, संसार में हम सुखी रहें और हमें कुछ सिद्धि प्राप्त हो। सिद्धि माने हमारे कार्य सिद्ध हों, और सत भक्ति के अंदर ये सिद्धियाँ आ जाती हैं जिन सिद्धियों के आधार से एकाद सिद्धि को प्राप्त करके ये ऋषिजन हमें अपने पीछे लगाए रहा करते थे। तो हमने उन सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना, वो आपके इस जीवन काल में ऑटोमेटिकली काम करते रहेंगे। आपके कार्य सिद्ध होंगे, आप पर आने वाली जो बला टलेंगी वो भक्ति की सिद्धि से ही होता है। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।